हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी आप पूरे मन और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जब भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी होती है जिसमें आपको लगता है कि चारों तरफ से समस्याएं हैं, और सबसे चीज़ जो एक चीज़ और महसूस होती है, सबसे लगता है कि बहुत अकेले हैं। ना तो फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ना फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ना रिलेटिव से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो उस स्थिति में होता क्या है कि हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आता है। अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हम अपने उस गोल को 24/7 अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं। अगर हम अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना समय बर्बाद करेंगे। समय बर्बाद करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आज के टाइम पे सबसे बढ़िया चीज़ है इंटरनेट। लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और काफ़ी समय जो मेजर टाइम होता है वो वहाँ पे आप लोग बर्बाद करते हो, जनरली सबके साथ होता है। और दूसरा क्या होता है कि हम फ़ोन पे किसी भी फ्रेंड सर्कल से बात करने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। तीसरा क्या, जब दो तीन फ्रेंड्स एक ही रूम पे या एक ही आसपास जगह रहते हैं तो गेट टुगेदर में बातें करने में टाइम निकल जाता है। ये दो तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। और आज के टाइम पे, आज के दौर में सबसे कीमती चीज़ समय है, जो हम उसे बिना पैसों के बर्बाद किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक आइडिया डिस्कस करना चाहता था। आइडिया वो है कि हाउ टू फोकस ऑन गोल। हम अपने गोल को, गोल पर कैसे फोकस बने रहें, मतलब हम अपने गोल पे 24/7 हमारे दिमाग में वो चीज़ रहना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का आपने पर्टिकुलर गोल बना के रखा है, तो एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, आप उस फार्मूले का यूज करिए। मैं भी इन दिनों इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपने आप को एनालिसिस पे होना चाहिए। हम एनालिसिस अपने आप को हर वीक करते रहें कि पिछले सप्ताह क्या दिक्कत हुई थी, क्या चीज़ मैंने छूट गई, क्या चीज़ नहीं पढ़ा है, उसको अगले सप्ताह ऐड करेंगे। तो एक फार्मूला है फोकस ऑन गोल, गोल पे कैसे फोकस बने रहने के, उसके लिए फार्मूला है द स्पार्क फार्मूला। स्पार्क, SPARK। एस का मतलब क्या होता है, स्पीक द गोल, आप अपने गोल को लगातार बोलते रहिए। पी का मतलब क्या होता है, पॉकेट कार्ड। आपका जो भी गोल है, आप SSC देना चाहते हैं, बैंक देना चाहते हैं, रेलवे देना चाहते हैं, पुलिस देना चाहते हैं, टेट सीटेट कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी आपका फाइनेंशियल गोल है, कुछ भी गोल है, आप उस गोल को लिख करके अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपनी वॉलेट में रख लीजिए। जब भी आप वॉलेट ओपन करेंगे, आपको आपका गोल याद आ जाएगा, नहीं मैं बाहर आया हूँ कुछ चीज को लेने के लिए, मुझे वापस जाना चाहिए गोल के लिए। ए की बात करें तो ए का मतलब क्या होता है, सभी को बता देना है, अनाउंस द एवरीवन। आपको जो भी आपका गोल है, आप सब लोगों को बता दो, मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरा एग्जाम आने वाला। तो अल्टीमेटली आपके पास जो अनकॉन्शियस माइंड रहेगा, तो आपको जहां पर भी आप टाइम वेस्ट करने वाले होंगे, आपको कहेगा नहीं, आपका समय बर्बाद और आपका गोल कुछ दूसरा है। SPARK, आर का मतलब क्या हो गया, रीड योर गोल डेली। जो भी आपका गोल है, उस गोल को रोज पढ़ना है। आप जहां पर भी स्टडी करते हैं, वहां पे उस गोल को लिख के चिपका लीजिए। और सबसे लास्ट में के आता है, कीप योर गोल फोटो। अपने गोल की एक फोटो बना लीजिए। फोटो का मतलब है एक विजुअल फोटो। जैसे आप पुलिस बनना चाहते हैं, तो कहीं पर भी एक, जो भी आपके फेवरेट स्टूडेंट या जो भी फ्रेंड्स हो या किसी को भी आप आइडियल मानते हैं, या किसी भी पुलिस की वर्दी में कोई एक पिक्चर अपने रूम पे लगा के रखे, तो आपको फील आएगा कि आई एम गोइंग टू बिकम ए पुलिसमैन। तो वो जो आपको फील आएगा ना, वही तो असली गोल पे फोकस रहने का मजा है। आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, डेफिनेटली मुझे पूरी आशा है कि फॉर्मूला आपको बहुत ही मदद करेगा गोल पे बने रहने के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।